एवरीवन, तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 2 months हो गए हैं आई माई आई ग्लासेस यूज़ करते हुए. सो दीज आर माई व्यूज़ आफ्टर यूजिंग दैम फॉर 2 months. और ये पिछली बार की तरह पॉजिटिव नहीं है इस बार के. आप पूरी वीडियो देखिएगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम है. एक्चुअली मुझे हेडेक होने लगा था आफ्टर 10th डे. मतलब हेडेक नहीं, स्ट्रेन होने लगा था स्टार्टिंग में से. थोड़ा भारीपन सा आँखों में, ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ हो रहा है आँखों में. बट ये लग रहा था, बट मैंने सोचा कि ना स्पेक्स चेंज होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट होने को आईज में. तो वही वही हो रहा है, इट विल इम्प्रूव एट टाइम. बट ऑपोजिट हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया स्ट्रेन भी बढ़ता गया, हेडेक होने लगा बहुत, आँखें बहुत भारीपन सा हैवीनेस सा रहने लगा, बहुत इरिटेशन सी होने लगी थी. तो मैंने सोचा कि हो सकता है इन स्पेक्स में पावर चेंज गलत इन्होंने डाल दी हो आई माई आई वालों ने. तो मैंने सोचा कि उनसे मैंने दूसरे भी मंगाए हैं तो दोनों में थोड़ी ना गलत कर देंगे, दूसरा यूज़ कर लेते हैं. तो मैंने ये दूसरा यूज़ किया बट उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम. फिर अब मुझे समझ नहीं आया कि क्या दिक्कत है. फिर मैंने अपनी पावर फिर से चेंज कराई तो वो ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं थी. वही जो उन्होंने पहले दिखाई थी, पहले जो आई थी वही अब थी. फिर मैंने अपने स्पेक्स की पावर चेंज कराई है, वो चेक कराई थी तो वो भी सेम वही थी जो प्रिस्क्राइब की थी. मतलब उन्होंने लेंसेज की पावर तो सेम डाली है बट आई डोंट नो क्वालिटी ऑफ दीज लेंसेज आर लाइक दीज. आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो रहा है दोनों लेंसेज से. ये एंटी ग्लेयर, एंटी यूवी, एंटी स्क्रैच थे, ये सिंपल लेंसेज थे बट दोनों से ही मुझे सेम प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी दिक्कत हो रही है. आई हैव स्टॉप यूजिंग देम नाउ. आई एम यूजिंग माई प्रीवियस जिनसे मैंने पहले बनवाए थे लेंस. आई एम बैक टू इट नाउ यार. काफ़ी सिर दर्द हो रहा था तो आई डोंट नो कि क्वालिटी में क्या दिक्कत है. कुछ लेंसेज में कुछ पता नहीं क्या गड़बड़ है या सूट नहीं कर रहा, आई डोंट नो. या मुझे कोई इंटरनल मेरी आईज़ में कोई प्रॉब्लम है, आई डोंट नो पता नहीं क्या हो रहा है. तो आप एक बार देख लीजिएगा यूज़ करके. बट जैसे कि मुझे ये पड़ा था 249 का, तो ये 249 का पड़ा था. तो अगर आपको केवल फ्रेम भी मिल रहा है 249 का तो सिंपल लेंसेज के साथ, तो आप ले लीजिएगा. फिर अपना मतलब ये है कि आपने फ्रेम ले लिया, इतने का नहीं मिलता है मार्केट में यूजली. आप ये फ्रेम ले लेंगे, ये भी आपको 249 का मिल जाता. मतलब मुझे तो लेंसेज महंगे मैंने पड़वाए थे तो 577 का आई गेस पड़ा था, तो ये भी 249 का पड़ जाता. तो मतलब अगर आप देखें तो ये अच्छी बाय है क्योंकि आपको लेंस फ्रेम भी अच्छे प्राइस में मिल जाए. केवल अगर आप इसको लेंस इसके यूज़ ना करो, अपने पढ़वा लो लेंस, लेकिन आपको फ्रेम भी सस्ते में पड़ जाएगा. ऑल्सो ये जो फ्रेम है आप इसका देख रहे हो, ये कितना लूज़ हो गया है. ये अपने आप खुल जा रहा है. लेट मी शो इट टू यू, खुद ही खुल जाएगा. ये देखिए लूज़ हो गया ये फ्रेम. मतलब इसको मैंने बस 1 महीने यूज़ किया होगा. और ये थोड़ा सा, ये मुझे ये वाला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी. उसका थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लूज़ हो जा रहा है, निकला जा रहा है. तो आई हैव टू गेट इट टाइट इफ़ आई हैव टू यूज़ इट. तो अभी मेरा ये है कि अगर आप अगर आप केवल फ्रेम ले रहे हो 249 में तो ही ठीक है. और लेंसेज का अगर आप अपना व्यूज़ बताइए, अपने कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट बाय नहीं लगा वो फॉर लेंसेज, बट फ्रेम मुझे 249 में बहुत ज़्यादा सही लगे. तो आप इसे एज केवल एज अ फ्रेम अगर आप चूज़ करो आई माई आई तो कर सकते हो. तो ये था हमारा रिव्यू आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 months. अब देखते हैं आगे और फ्रेम मंगा के, लेट्स सी अब कैसा देते हैं. चलिए बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.